Hello and welcome to India's number one coaching institute with well experienced and well qualified staff. Are you preparing for IAS, KAS, PCS and assistant commandant? But in search of an institute that provides you with quality education and helps you achieve your dreams? Well Now brings you closer to your ambition by mentoring you in the fields of IAS, KAS, PCS and assistant commandant. First time ever in Jammu. Free 7 days trial classes and 10% quota for BPL students. So if you want to be a part of community that strives for excellence, then join Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home. Hello and welcome to Aspire Adda. आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोनोपोली. There are different kinds of market forms in the economy, like perfect competition, oligopoly, and monopoly is one kind of market form in the economy. What do you mean by monopoly? Simply, monopoly is a kind of market form in which only a single seller selling his product. यानी मोनोपोली मार्केट की वो फॉर्म है जहां पर एक ही सेलर होता है और वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है. सिंगल सेलर जो प्रोडक्ट को बनाता है वो एक ही फर्म होती है, या हम ये कह सकते हैं कि यह एक ही इंडस्ट्री इकोनॉमी में है या मार्केट में एक ही इंडस्ट्री है और वो अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रही है और फिर मार्केट में बेच रही है, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने में एक ही फर्म का रोल है. सिंगल सेलर सेलिंग हिज प्रोडक्ट. मानो का अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाएंगे, मानो का मतलब है सिंगल, यानी मोनोपोली मार्केट की वो फॉर्म है जहां पर एक ही सेलर होता है और वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहा होता है. और जो बायर्स होते हैं, बायर्स बहुत सारे होते हैं. सेलिंग इज सिंगल सेलर सेलिंग इज प्रोडक्ट एंड हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. यानी मोनोपोली मार्केट की वो फॉर्म है जहां पर एक ही सेलर होता है और वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है और बायर्स होते हैं बहुत सारे. सो मोनोपोली की जो पहला कैरेक्टरिस्टिक हम कहेंगे कि वो है कि उसमें एक ही सेलर होता है, यानी बेचने वाला एक ही होता है, लेकिन जो बायर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. द डेफिनेशन ऑफ द मोनोपोली. Now we have some characteristics. On the basis of these characteristics, we can categorize that this kind of market forum is a monopoly. पहला characteristic है कि, or we can say feature है कि इसमें single seller होता है. यानी monopoly का पहला feature जो है single seller होता है. दूसरा यानी second feature जो है, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, यानी नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन. यानी मोनोपोली जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, जो भी ये सिंगल सेलर प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, सब्स्टिट्यूट का मतलब देखो, मैं आपको बताऊंगा. टी और कॉफी, टी और कॉफी, ये दोनों आपस में क्या है, ये सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि सेम यूटिलिटी देता है. टी भी वही यूटिलिटी देती है और कॉफी भी यूटिलिटी देती है. सो वी कैन चूज बिटवीन देम, वेदर वी कैन वी लाइक टी और वेदर वी लाइक कॉफी, दीज आर द सब्स्टिट्यूट. लेकिन मोनोपोली में वो प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. मोनोपोली की एग्जाम्पल है रेलवेज और एयरलाइंस. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मोनोपोली. यानी ये वो प्रोडक्ट है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. सो सेकंड फीचर ऑफ द मोनोपोली इज दैट देयर इज नो क्रॉस सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट उन प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, जस्ट सेकंड फीचर ऑफ द मोनोपोली. थर्ड फीचर जो है मोनोपोली का, नो एंट्री
एंड एग्जिट. उसका क्या मतलब है, नो एंट्री और एग्जिट का. सो थर्ड फीचर, फॉर सुनो, ये एक इंडस्ट्री है. फॉर एग्जांपल, ये एक इंडस्ट्री है. फॉर एग्जांपल कोई भी इंडस्ट्री आप ले सकते, लेकिन ये इंडस्ट्री जो है ये मोनोपोली इंडस्ट्री. इसमें बहुत सारे फर्म्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 फर्म्स है. पहले आप एक बात समझो, जो फर्म्स होती है, नंबर ऑफ फर्म्स करती है. ए नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो एक इंडस्ट्री को क्रिएट करती है. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 फर्म्स है और वो एक इंडस्ट्री को क्रिएट करती है. फॉर एग्जांपल वी गिव द नेम बी, बी इज द इंडस्ट्री. बी जो है ये एक इंडस्ट्री है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 फर्म्स है. अब ये कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, आपको पता है कि वो इंडस्ट्री है, वो मतलब इसको मार्केट में मोनोपोली है, ये वो प्रोडक्ट तैयार कर रही है जिसका कोई क्लोज सपोर्ट नहीं है. फॉर एग्जांपल जो ये फर्म वन है, ये भी प्रॉफिट कमा रही है, ये भी प्रॉफिट कमा रही है, ये भी और ये भी, यानी फर्म जो है इंडस्ट्री ओवरऑल प्रॉफिट कमा रही है. जो इसमें फर्म्स है वो भी प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कमा रही है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे और एक फर्म है, उसको लग रहा है कि इस इंडस्ट्री में फायदा है क्योंकि यहाँ पर जो भी फर्म्स है वो प्रॉफिट कमा रही है, मैं भी इस इंडस्ट्री में आऊँ. लेकिन यहाँ पर एंट्री जो है नो एंट्री है, यहाँ पर कोई फर्म न्यू फर्म एंटर नहीं कर सकती. किस मोनोपोली में कोई भी फर्म एंटर नहीं कर सकती. अगर ये 7th, 6th फर्म को लग रहा है कि मैं भी इस इंडस्ट्री में चली जाऊँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे मतलब मोनोपोली क्रिएट होता है. सो या वी कैन से दैट अगर इस फर्म को नुकसान हो रहा है, ये प्रॉफिट में है, ये प्रॉफिट में है, इसको भी नुकसान हो रहा है, ये इसको भी नुकसान हो रहा है. अगर फर्म टू कहेगी कि मैं इस इंडस्ट्री को एग्जिट कर जाऊं, यानी बाहर जाऊं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वहां पे नो एंट्री और एग्जिट है. ना कोई फर्म न्यू फर्म इंडस्ट्री में आ सकती, ना एग्जिटिंग फर्म जो इकोनॉमी में होती है या इंडस्ट्री में है वो बाहर नहीं जा सकती है. इसी को बोलते हैं नो एंट्री एंड एग्जिट, एंड दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ द मोनोपोली. अंडरस्टूड? नाउ वी विल टॉक फोर्थ फीचर जो है मोनोपोली का, इंपॉर्टेंट फीचर है ये, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली का. और जो ये फोर्थ फीचर है ये आप किसी मार्केट की फॉर्म में नहीं देखोगे. अगर जो मार्केट की दूसरी फॉर्म है वहां पे होंगे कुछ, मतलब जो इसमें जो सब फीचर्स है वो सेम टू सेम होंगे, लेकिन जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट की जो मोनोपोली का फीचर है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जो ये मतलब सेलर होता है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट कंज्यूमर्स को. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है डिफरेंट प्राइस चार्ज टू डिफरेंट कंज्यूमर्स. यानी जब एक सेलर डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगा डिफरेंट कंज्यूमर्स को, तो हम बोलते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है. सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली का. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का समझ आया, मीन डिफरेंट प्राइस आर चार्ज टू डिफरेंट कंज्यूमर्स, एंड द फोर्थ फीचर ऑफ द मोनोपोली. फिफ्थ फीचर जो है मोनोपोली का, प्राइस जो है वो मेकर होता है. जो मोनोपोलिस्ट होता है या जो ये सेलर होता है मोनोपोली में, वो प्राइस मेकर होता है. प्राइस मेकर का यहां मतलब है वो प्राइस को खुद सेट करता है. सेट द प्राइस सेलर. जो उस प्रोडक्ट का बनाने वाला होता है वही प्राइस को सेट करता है. यहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है. नो रोल ऑफ गवर्नमेंट. यानी जो गवर्नमेंट है कभी कभार मतलब कोई चीज बनाती है तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं इसका मिनिमम प्राइस ये है या मैक्सिमम प्राइस ये है. लेकिन जो मोनोपोली में होता है जो भी वो प्रोडक्ट तैयार करता है उसका वो प्राइस मेकर होता है. उसका गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है. जो भी उसका बनाने वाला होता है वो खुद प्राइस को सेट करता है. तभी ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि मोनोपोली में जो है
सेलर जो होता है मोनोपोली वो होता है प्राइस मेकर, यानी वो प्राइस को खुद सेट करता है, उसमें कोई भी दूसरे का रोल अदा नहीं होता, यानी नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी रोल गवर्नमेंट का नहीं होता है। सो जो भी प्रोडक्ट बनाता है कोई भी सेलर मोनोपोली में, अगर उसको मोनोपोली है तो वो प्राइस को सेट कर सकता है। सो प्राइस मेकर मेकिंग इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली। फिफ्थ फीचर था प्राइस मेकर। अब इसका और एक फीचर है वो हम यहां लिखेंगे, ज्यादा क्लियर आ जाएगा। सिक्स फीचर जो है मोनोपोली का, इन इलास्टिक डिमांड करो, यानी जो डिमांड करो होती है, डिमांड करो आपको पता है, डिमांड करो दिखाती है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, लेकिन जो यहां पे डिमांड करो होती है वो होती है इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक डिमांड करो, यानी जो डिमांड करो है, जो मोनोपोली में डिमांड करो होती है, जो डिमांड करो है, ये जो ये डिमांड करो होती है मोनोपोली में, ये क्या होती है, ये होती है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक डिमांड करो का मतलब है प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बहुत कम चेंज आती है, तब हम कहते हैं कि इस वक्त जो डिमांड है वो है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब है स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन डिमांड, यानी हम कह सकते हैं स्मॉल दिखा दिए चेंज इन प्राइस लीड्स टू वेरी 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 स्मॉल चेंज इन डिमांड। प्राइस के चेंज होने से जब डिमांड में बहुत कम चेंज आ जाए तब हम बोलते हैं कि इस वक्त डिमांड जो है वो होती है इन इलास्टिक, लाइक दैट। इन इलास्टिक डिमांड मैं आपको दिखाऊंगा, अगर फॉर एग्जांपल प्राइस था 8, उस वक्त जो डिमांड थी हमारी वो थी फॉर एग्जांपल 10। अब प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड तो बढ़ती है, प्राइस हुआ 4 फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस लेकिन डिमांड इंक्रीज हुई सिर्फ 1%, 4% यहां से प्राइस डिक्रीज हुआ, यहां से हम प्राइस लेते हैं, यहां से हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांड। प्राइस के फॉल होने से 4% डिक्रीज होने से डिमांड में 1% चेंज आई, डिमांड में 1% चेंज आई। जब ये कंडीशन एग्जिट हो जाए कि जितना प्राइस चेंज हो जाए, जितना प्राइस फॉल डाउन हो जाए और डिमांड में बहुत कम चेंज आए उससे, तब हम कहते हैं कि डिमांड कर्व जो है वो है इन इलास्टिक। जब हम इन दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे इस तरह से तो एक डिमांड कर्व हमें मिल जाती है, और इसी डिमांड कर्व को बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड कर्व, इन इलास्टिक डिमांड कर्व। और जो इसका स्लोप होता है वो होता है स्टीप, और जो भी डिमांड करो हमें मिलती है इन लास्ट डिमांड करो है किसमें, मोनोपोली में। अंडरस्टूड, ये था सिक्स्थ फीचर ऑफ द मोनोपोली, आपको याद रखना है। और एक फीचर हम डिस्कस करेंगे वो भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि एवरेज रेवेन्यू कर्व्स होते हैं, यानी रेवेन्यू कर्व्स जो भी होती है मोनोपोली में उनकी शेप होती है डाउनवर्ड्स। रेवेन्यू कर्व्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी रेवेन्यू कर्व्स होती है आर से रेवेन्यू कर्व्स, उनकी शेप जो होती है वो होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। रेवेन्यू कर्व्स का मतलब है बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है एडिशनल रेवेन्यू विच अ फर्म गेट्स बाय सेलिंग हिज एडिशनल प्रोडक्ट। जो दोनों होती है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, इनकी शेप जो होती है वो होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है, जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है ऑलवेज लेस देन एवरेज रेवेन्यू। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। मार्जिनल रेवेन्यू जो मोनोपोली में है वो होता है लेस देन एवरेज रेवेन्यू से, लेकिन जो शेप होती है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की वो दोनों होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, इस तरह से, लाइक दैट। दोनों की यहां से है मार्जिनल रेवेन्यू और यहां से है एवरेज रेवेन्यू, दोनों की शेप है डाउनवर्ड स्लोपिंग। मार्जिनल रेवेन्यू की शेप भी है डाउनवर्ड स्लोपिंग और एवरेज रेवेन्यू की भी शेप है डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन है एवरेज रेवेन्यू से, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। दिस इज द 7th फीचर ऑफ द मोनोपोली।
यानी रेवेन्यू कर्व जो है वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली. ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन कैटेगराइज दैट दैट वेरी काइंड ऑफ मार्केट फॉर्म इज अ मोनोपोली. यानी सिंगल सेलर होना चाहिए, जो भी वो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उनका कोई सबस्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, कोई भी फर्म एंट्री नहीं कर सकती है, ना जो ऑलरेडी फर्म्स है एक इंडस्ट्री में वो बाहर नहीं जा सकती है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है मोनोपोली में, यानी डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है. प्राइस मेकर होता है जो भी प्रोडक्ट को बनाता है मोनोपोली में, वो प्राइस मेकर होता है. डिमांड कर्व जो होती है वो होती है इनलास्टिक. इनलास्टिक का मतलब है प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आती है, तो इनलास्टिक डिमांड करो. रेवेन्यू कर्व, जो रेवेन्यू कर्व होती है मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू, ये दोनों होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग. ये होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग दोनों, मार्जिनल भी एवरेज भी. बट मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो है ऑलवेज लेस देन एवरेज रेवेन्यू. जो आप मैंने बोला कि ऐसे इस तरह से, यहां से मार्जिनल रेवेन्यू, यहां से एवरेज रेवेन्यू. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली. ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर्स वी कैन कैटेगराइज दैट दिस काइंड ऑफ मार्केट फॉर्म इज मोनोपोली. अंडरस्टूड? ये आपको याद रखने हैं, ये फीचर्स, सिक्स इंपॉर्टेंट फीचर्स है, एंड यू हैव टू मेमोराइज दीज फीचर्स. नाउ वी विल डिस्कस व्हाई मोनोपोली एग्जिस्ट्स. क्या रीजन होता है कि मोनोपोली, आपको पता है मोनोपोली की मार्केट की फॉर्म क्या है, किस तरह से, कौन कौन से फीचर्स है. अब हम बात करेंगे रीजन क्या है ऑफ मोनोपोली एग्जिस्टेंस. रीजन ऑफ मोनोपोली एमरजेंसी. मोनोपोली क्यों एग्जिट होता है इकॉनमी में, व्हाई मोनोपोली एग्जिस्टेंस, या किस तरह से होता है. फॉर एग्जाम्पल, पहला रीजन जो है वो होता है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग. गवर्नमेंट लाइसेंसिंग यानी फर्स्ट रीजन व्हाई मोनोपोली एग्जिस्ट. यानी कोई भी प्रोडक्ट, मतलब एक फर्म को गवर्नमेंट एक लाइसेंस फराहम करती है. चलो आपके पास ये लाइसेंस है, यू कैन, ये एक फर्म है, इसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस फराहम की कि आप ये प्रोडक्ट तैयार करो. फॉर एग्जांपल लाइक मार्कर, मार्कर को इस पे मोनोपोली है. इसने एक ही फर्म को बोला कि आपको ये मार्कर तैयार करना है, आपको ये मार्क व्हाइट बोर्ड मार्कर जो ये आपको बनाना है, तो इसको एक लाइसेंस दी गई किसने, गवर्नमेंट को. इसको इकोनॉमी में मोनोपोली बन गई अब, क्योंकि इसके बगैर कोई भी ये प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस फर्म को लाइसेंस फराहम की, जनाब आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, और कोई भी फर्म और कोई भी फर्म या कोई भी इंडस्ट्री इस प्रोडक्ट को नहीं बना सकती आपके बगैर. सो जब इसको लाइसेंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, सो ही कैन चार्ज व्हाटएवर प्राइस ही वांट्स. सो फर्स्ट रीजन जो होती है मोनोपोली इमरजेंसी की होती है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग. आप देखते हो कि हमारे इंडिया में बड़े बड़े फर्म्स को लाइसेंस फराहम की जाती है कि यू कैन मेक दिस प्रोडक्ट. जब वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो फिर वो अपना प्राइस सेट करते हैं. जब वो प्राइस को भी सेट करते हैं तो उनको इकोनॉमी में मोनोपोली होती है. सो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग इज वन ऑफ द रीजन दैट मोनोपोली एग्जिस्ट्स इन द इकोनॉमी. सेकंड होता है पैटेंट राइट्स. आपने देखा होगा अपने घर में, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट जब आप परचेज करते हो, उसमें एक लिखा होता है इसको पैटेंट राइट, इसको ये कंपनी बनाती है, नो पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट कैन प्रोड्यूस इन एनी फॉर्म. या बुक में भी, जब हम बुक को भी पब्लिश करते हैं, कोई भी बुक होती है, उसमें भी पहले ही प्रीफेस पेज जो होता है लिखा हुआ है कि नो पार्ट ऑफ दिस बुक कैन बी प्रोड्यूस इन एनी फॉर्म. सो दिस इज अ पैटेंट राइट. यानी गवर्नमेंट एक तरह की लाइसेंस फॉर्म ही है, पैटेंट राइट प्रोवाइड करता है. नोबडी कैन प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट, only this man can produce this product. जब patent rights economy में exit होते हैं, तब वो monopoly exit होती है. यानी patent rights जब provide हो जाते हैं किसी firm को या किसी industry को. For example, we will take COVID-19. आपको पता ही है आजकल COVID-19 चल रहा है. अगर कोई इसका कोई निकालेगा, कोई insulin, कुछ भी वो निकालेगा, tablets या कुछ भी, कोई भी firm, जब वो इंडस्ट्री इसको बनाएगी तो उसको पैटेंट राइट्स होता है कि इसके बगैर, मतलब जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें, कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है जब तक वो फर्म ना चाहे. अगर वो फर्म चाहे या वो गवर्नमेंट चाहे कि अब दूसरा भी उसको प्रोड्यूस करे, तब तक अगर गवर्नमेंट नहीं चाहे कि कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तब तक उसको पैटेंट राइट है इस प्रोडक्ट पे, उसको पैटेंट राइट होता है. सो जब पैटेंट राइट इकोनॉमी में एग्जिट होता है, तो मोनोपोली एग्जिस्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है.
और एक होता है कार्टल्स, कार्टल इज अनदर रीजन वाई मोनोपोली एग्जिस्ट्स। कार्टल का मतलब है, कार्टल का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स या नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक कार्टल बनाती है, ग्रुप बनाती है, वो एक ग्रुप को क्रिएट करती है। कार्टल एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप ही होता है, मतलब इस ग्रुप में बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं कि हम आपस में ये प्रोडक्ट तैयार करेंगे और ये प्राइस चार्ज करेंगे, फिर उस ग्रुप में सेम प्राइस होता है, सेम प्राइस वो चार्ज करते हैं कस्टमर्स को। अगर ये एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्री प्रोडक्ट तैयार कर रही है और एक सेम प्राइस उसको, मतलब वो सेम प्राइस लगाती है ताकि वो प्राइस डिक्रीज होने से बच जाते हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल कार्टल के एग्जाम्पल है ओपेक, ओपीईसी, ओपेक आपको पता है ऑयल प्रोड्यूसिंग ईस्ट कंट्रीज जो होती है, सऊदी अरब है, इसमें कुवैत है, इन्होंने एक कार्टल बनाया, एक ग्रुप बनाया कि हम अपने तेल, जो इनको तेल है, इस रेट पे भेजेंगे। क्यों ये कार्टल बनाती है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरब यहां से है, यहां से है अजरबैजान, जो ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑयल। अगर इनको आपस में प्राइस वार हो जाता है, इसको इससे, इस प्राइस वार के बचने से एक कार्टल बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, वो समझौता आपस में कर लेते हैं, ओ भाई आप भी बेच रहे हो ये प्रोडक्ट, मैं भी बेच रहा हूँ, चलो हम एक कार्टल बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, समझौता करेंगे, हम अपना तेल इस रेट पे बेचेंगे, इससे कम नहीं बेचेंगे। सो जब कार्टल एग्जिट होता है इकोनॉमी में, मोनोपोली की एमरजेंस ऑटोमेटिकली हो जाती है। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट रीजन वाई मोनोपोली एग्जिट्स इन द इकोनॉमी। और एक रीजन है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको लेते हैं। किसी को जब अगर कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल, जो भी चीज हम बनाते हैं पहले वो रॉ मटेरियल तो होता ही है, चीज किसी मटेरियल से तो हम बनाते हैं। अगर किसी फर्म को कंट्रोल हुआ उस मटेरियल पे, जस्ट लाइक मिडल ईस्ट कंट्रीज, उनको मतलब रॉ मटेरियल, उनको मटेरियल पे कंट्रोल है, किस मटेरियल पे? ऑयल पे, और वो प्राइस चार्ज करते हैं वट एवर दे वांट। सो जब भी किसी को कंट्रोल आ जाता है किसी मटेरियल पे, तो वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है। जब ये रीजंस एग्जिट हो जाए, मोनोपोली की एमरजेंसी ऑटोमेटिकली बन जाती है, एंड गवर्नमेंट कैन ब्रेक दीज, एंड गवर्नमेंट का रोल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे बचने के लिए, गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा होता है। सो ये चार रीजन इंपॉर्टेंट रीजन है कि मोनोपोली एग्जिट होता है इकोनॉमी में। अंडरस्टूड? So these are the features. First we talk about features, then we talk about why monopoly exists. Thirdly we talk about kinds of monopoly and we will finish the class. Monopoly में भी दो तरह के मतलब types है monopoly. एक तो है pure monopoly. दूसरा है, एक तो है pure monopoly हम discuss करेंगे पहले. प्योर मोनोपोली का मतलब है यहां पे यूनिफॉर्म प्राइस होता है, यूनिफॉर्म प्राइस। एक इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको बताया कि मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन प्योर मोनोपोली में यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज किया जाता है। प्योर मोनोपोली, मोनोपोली की वो फॉर्म है जहां पर सेम प्राइस चार्ज किया जा रहा है सेम कंज्यूमर्स को, यानी सेम प्राइस, सेम प्राइस चार्ज। मैंने आपको बताया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो है, डिफरेंट प्राइसेस कैन बी चार्ज्ड, लेकिन प्योर मोनोपोली इज अ काइंड ऑफ मोनोपोली। प्योर मोनोपोली का मतलब है जब हम अपना प्राइस ज्यादा तो रखते ही है मोनोपोली में, लेकिन यूनिफॉर्म रखते हैं, सेम रखते हैं। अगर मुझे इसने ये प्रोडक्ट बेच किया 10 रुपये को, जब आप जाओगे दुकान पे, आप ये खरीदोगे, आपको भी 10 रुपये में मिलेगा ये। सो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे प्योर मोनोपोली है, यानी यूनिफॉर्म प्राइस जब चार्ज किया जा रहा है तो तब हम बोलेंगे प्योर मोनोपोली, यूनिफॉर्म प्राइस। और एक डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली, इट्स द सेकंड टाइप, डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली, इसका अपोजिट है, सिंपल। डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली का मतलब है जब भी एक सेलर जिसको मोनोपोली है इकोनॉमी में, जब वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगा, डिफरेंट प्राइस चार्ज टू कंज्यूमर्स,
यानी जब भी एक सेलर जिसको मोनोपोली है इकॉनमी में, जब वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगा डिफरेंट कंज्यूमर्स को, तब हम बोलेंगे ये मोनोपोली की वो फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली. सो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ मोनोपोली की जो फॉर्म्स है, टू काइंड्स ऑफ मोनोपोली फॉर्म्स. आगे जब हम जाएंगे तब हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, अगला टॉपिक वो होगा हाउ इक्विलिब्रियम कैसे अचीव हो रहा है मोनोपोली में, यानी मोनोपोली कैसे प्रॉफिट कमा रहा है, क्वांटिटी कैसे वो डिटरमाइन करता है, वो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे. फिलहाल आप इतना याद रखो इसके फीचर्स, मोनोपोली क्या है, फीचर्स क्या है, मोनोपोली क्यों एग्जिस्ट हो रहा है, और उसके दो टाइप्स है. थैंक यू सो मच.